स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द चोपड़ा कमेटी। उस कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, नियर अबाउट 90 रिकमेंडेशंस दी थी, और हमने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की वो हमने पढ़ी, और उनमें से कुछ गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट भी की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी। अब इस चैप्टर में इवोल्यूशन कंसेप्ट, यानी अब और उस कमेटी के बाद क्या कुछ और भी नए एक्ट आए, कुछ नई अमेंडमेंट्स हुई जिसमें अलग अलग तरह के जो चेंजेस आए इन द ड्रग सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके जो एक्ट है उसमें क्या चेंजेस आए वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी। इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी में पहले हम पढ़ते हैं, इसमें जो बोर कमेटी आई, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट थी हमारी, इसमें क्या था, जो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी थी उसका सेटअप हुआ। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन थे, इस कमेटी का सेटअप हुआ 1943 अक्टूबर में। ठीक है, इसके चेयरमैन थे जोसेफ बोरे। ठीक है, इनका क्या मानना था, इन्होंने सर्वे किया था कि जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो कैसी है, इसके रिगार्डिंग हेल्थ केयर डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ केयर डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो उनकी अब रिसेंट में क्या पोजीशन चल रही है, किस पोजीशन पे वो है। ठीक है, तो ये जो कमेटी थी, बोरे कमेटी थी, जोसेफ बोरे के नाम से जो कि चेयरमैन थे इस कमेटी के, उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। अब उनकी रिकमेंडेशन क्या थी, उनकी रिकमेंडेशन थी कि ऑल इंडिया फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। भैया, ऑल इंडिया फार्मेसी के काउंसिल एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, जो किसको टैकल करे, क्या देखेगी वो, फार्मास्यूटिकल ट्रेड भी कैसा चल रहा है उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल देखेगी, और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग एंड टेक्निकल इंटरेस्ट, ये जो सारा फार्मेसी से रिलेटेड जो भी चाहे ट्रेड है, ठीक है, चाहे उसकी रिलेटेड एजुकेशन है, ठीक है, या फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है वो सब कौन देखेगा, एक ऑल इंडिया फार्मेसी काउंसिल। तो एक ऑल इंडिया फार्मेसी काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, पहली रिकमेंडेशन। दूसरा, इन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग ऑफ रिवाइज कोर्सेज स्टार्ट किए जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा था लाइसेंसीटेड फार्मासिस्ट, यानी एक फार्मासिस्ट लाइसेंस बनाने के लिए भी क्या क्या प्रोसीजर हो, तो उसका एक कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएट फार्मासिस्ट, जैसे डी फार्मेसी का डिप्लोमा होता है फार्मेसी का, वैसे बैचलर इन फार्मेसी, उसके बाद फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इसके रिगार्डिंग रिवाइज कोर्स होने चाहिए, ये कहा था। और इन्होंने कहा था नेक्स्ट रिकमेंडेशन की एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की सेटिंग होनी चाहिए, वो भी डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन हमने पीछे उसमें भी पढ़ी थी, जो हमारी चोपड़ा कमेटी थी, ड्रग एंक्वायरी कमेटी जिसको कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कुछ प्रॉपर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ मेजर्स लेने चाहिए, किसमें जो भी फार्मेसी प्रैक्टिस है, फार्मेसी की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, एक्टिविटीज क्या आ जाएंगी, इसके अंदर कंपाउंडिंग आ जाएगा, डिस्पेंसिंग आ जाएगा। ठीक है, ये सारी जो एक्टिविटीज है फार्मेसी से रिलेटेड, या फिर प्रोफेशन, फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है, और जो फार्मासिस्ट है उनकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इसमें प्रॉपर अच्छे से एहतियात बरतने हैं, अच्छे से पूरा हर चीज प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से होनी है। ठीक है, तो उसको पूरा रेगुलेट करके रखना है, ये इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब किसने रिकमेंड किया था, ये रिकमेंडेशन थी बोर कमेटी की, ठीक है, जो कि अपॉइंट हुई थी अक्टूबर 1943 में, और जिसके चेयरमैन थे सर जोसेफ बोरे। ठीक है, ये रिकमेंडेशन थी, ये हम इवोल्यूशन में पढ़े हैं। उसके बाद और कमेटी कौन सी आई, नेक्स्ट जो कमेटी आई वो थी भाटिया कमेटी। भाटिया कमेटी क्या थी, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, इन 1953 में जो इसके जो चेयरमैन थे वो मेजर जनरल एस एल भाटिया थे, इसलिए इसका नाम एज ए भाटिया कमेटी रख दिया था। ठीक है, तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने अपॉइंट किया था किसको, फार्मास्यूटिकल एंक्वायरी कमेटी को, जिसमें चेयरमैन बने मेजर जनरल एस एल भाटिया जी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या रिकमेंडेशन की इस कमेटी ने, इन्होंने इंडस्ट्री के रिगार्डिंग इन्होंने ये कहा था कि जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके ऊपर एक उसकी वर्किंग के ऊपर, ठीक है, पूरी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी की जाए, जिसको आप कह सकते हैं एक तरह की व्यापक इंक्वायरी की जाए। व्यापक का मतलब कि उसको पूरा डिटेल वाइज हर चीज
अच्छे तरीके से देखी जाए, इंक्वायर की जाए जो वर्किंग है किसकी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। जिसमें क्या इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि अब इसके लिए सरकार क्या स्टेप लेगी ताकि एस्टेब्लिशमेंट हो सके किसकी, हेल्थ केयर डिलीवरी की और इकोनॉमी की भी, मतलब कि दोनों तरफ से कोई भी इस तरह से ना हो कि एक चीज सफर करे, हेल्थ केयर डिलीवरी भी प्रॉपर मिले और इकोनॉमी भी सफर ना करे, ठीक है। तो ये इस भाटिया कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जून 1954 में सबमिट की, ठीक है, जिसमें इसकी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ऑलमोस्ट 212 रिकमेंडेशंस, ठीक है, 212 रिकमेंडेशन है वो इंप्लीमेंट की गई, मतलब कि लागू की गई, एक तरह से इंप्लीमेंट हो गई थी, ठीक है। ये हमने बात की भाटिया कमेटी की। इवोल्यूशन कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी में भी, किस तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मेसी प्रोफेशन में, फार्मेसी में किस तरह से आगे जो बदलाव आते गए, क्योंकि हम जब ओरिजिन पढ़ी थी तब हमने ये चीज डिस्कस की थी कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, पहले तो नेचुरोपैथी पे डिपेंड करता था, नेचुरल ड्रग्स थी, क्रूड ड्रग्स थी, वैद्य जी और औषधिकार जी थे, उन्होंने क्या किया अपना काढ़ा पिलाया, ट्रीटमेंट कर दिया। जैसे जैसे मूव ऑन किया आयुर्वेदिक सिस्टम टू एलोपैथी सिस्टम, एलोपैथी सिस्टम में मूव ऑन करते ही ये सब कमेटीज आने लगी, क्योंकि उनको पता लगा क्योंकि वो केमिकली सिंथेसाइज की जाती है, अब वो उन मटेरियल को प्रॉपरली कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो उस हर चीज, उसके हर चीज में जो हर स्टेप है सिस्टमैटिक मैनर में कैसे चलेगा, उसके लिए भी कमेटीज ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन की हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट सोसाइटी को, और आगे फिर गवर्नमेंट ने उनकी रिकमेंडेशन पे क्या क्या स्टेप लिए उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मुडालिया कमेटी, ठीक है, जो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी थी, ये अपॉइंट हुई थी इन 1959, ठीक है। तो और इसमें क्या था, जो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी थे ये इसके चेयरपर्सन थे, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी चेयरपर्सन ऑफ मेडालियन कमेटी के चेयरपर्सन थे, ठीक है, क्योंकि इनका नाम था डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुंडालियन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट 1961 में सबमिट की थी, ये जो कमेटी अपॉइंट हुई थी ये 1959 में अपॉइंट हुई थी और 61 में इसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट की, इनकी क्या रिकमेंडेशन थी, इनकी रिकमेंडेशन थी कि हमें एक इंडिजीनियस सिस्टम, जो ड्रग है और मेडिसिन है ना उसमें इंडिजीनियस सिस्टम आना चाहिए, मतलब कि वो रिलेटेड होना चाहिए, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो ड्रग्स की, इंस्टेड ऑफ बाहर अब्रॉड से उसका इंपोर्ट हो, ठीक है, इंडिया में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए ड्रग्स की, ठीक है। इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन अंडर द प्रीव्यू ऑफ ड्रग एक्ट, ये इन्होंने रिकमेंड किया था, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो इंडिजीनियस सिस्टम था मेडिसिन का, ठीक है, वो क्या था, एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर 1948 के अंदर इंक्लूड किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आपने आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वन में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसके बारे में हम बता देते हैं। इंडियन फार्माकोपिया में पूरी डिटेल स्टडी होती है, जितनी भी ड्रग्स होती है सब उसमें मेंशन होती है उनकी पूरी डिटेल स्टडी, ये आपको पता ही है इंडियन फार्माकोपिया की रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन की, कब हुआ इंडियन फार्माकोपिया, इसकी पब्लिकेशन कब हुई। 1844 में सबसे पहले बंगाल फार्माकोपिया बनी, ठीक है, बंगाल में एक फार्माकोपिया पब्लिश हुई जिसका नाम ही बंगाल फार्माकोपिया रख दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी फर्स्ट फार्माकोपिया पब्लिश हुई वो हुई थी 1868 में, पहली जो इंडियन फार्माकोपिया पब्लिक हुई थी, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्मा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1868 में, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें, अब इसकी पब्लिकेशन हो गई, उसके बाद 1868 में ये जो फार्माकोपिया ये कंटिन्यू चलती रही, ठीक है, कंटिन्यू ये चलती रही, लेकिन इसके साथ जो ब्रिटिश
ब्रिटिश फार्माकोपिया थी वो भी इसके पैरेलल ही चलती रही टिल 1885 1885 तक जो थी ब्रिटिश फार्माकोपिया ये प्रोसीड करती रही इसके पैरेलल ही, ठीक है, उसको भी यूज करते रहे। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिली आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी उसने कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948 के अंदर इसने एक फार्माकोपिया बनाई के जिसके सप्लीमेंट्स पब्लिश हुए, वो सप्लीमेंट 1960 में पब्लिश हुए। अब जो फार्माकोपिया के जो सप्लीमेंट बने हैं जो कि पब्लिश हुए उसमें वेस्टर्न ड्रग्स भी थी और ट्रेडिशनल ड्रग्स भी थी, ठीक है, दोनों को कवर कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद फिर दोबारा से जो फार्माकोपिया थी इंडियन फार्माकोपिया इन 1965 जो सप्लीमेंट थे उसको कंटिन्यू करके रखा, ठीक है। फिर उसके बाद इस फार्माकोपिया में ट्रेडिशनल ड्रग रखे गए, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रग इसमें इंक्लूड हुआ उन फार्माकोपिया में वो ट्रेडिशनल ड्रग और कुछ हर्बल ड्रग रखी गई। हर्बल ड्रग सिर्फ वही इंक्लूड की गई जिनकी डेफिनेट क्वालिटी होती है, ठीक है, डेफिनेट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो ड्रग्स थी हर्बल में वो रखी गई और कुछ ट्रेडिशनल रखी गई, क्योंकि इसको बाद दोबारा रिवाइज किया गया ना, क्योंकि पहले तो वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों रखी गई, ठीक है। ये पॉलिसी कंटिन्यू रही इंडिया में। फिर उसके बाद इसके सप्लीमेंट्स बने, उस सप्लीमेंट्स में इन्होंने जो वेस्टर्न ड्रग की जगह हर्बल ड्रग्स को जगह दी और वो हर्बल ड्रग्स थी जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग्स होती है वो। अब आगे बढ़े हम, जैसे इंडियन फार्माकोपिया की एक तरह से हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसके सप्लीमेंट्स बने, तो इसमें जो फोर्थ एडिशन था उस इंडियन फार्माकोपिया का वो 1996 में पब्लिश हुआ। फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1996 में पब्लिश किया, ठीक है, इसका फोर्थ एडिशन। अब इस जो फोर्थ एडिशन था इसको बनाने में, इसको प्रिपेयर करते टाइम जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी उन्होंने क्या किया, कोलैबोरेशन किया, इकट्ठा किया। ये कैसे इन्होंने ये फोर्थ एडिशन को पब्लिश किया, इसको पब्लिश करने के लिए इन्होंने कमेटीज बुलाई, ठीक है, किस कुछ कमेटीज है उनकी हेल्प से, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थे के एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया, ठीक है, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी और रिसर्च इंस्टीट्यूट टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर्स थे उनको बुलाया गया, ठीक है। इन सब की कोलैबोरेशन करके ये फोर्थ एडिशन जो कि इंडियन फार्माकोपिया का इसको पब्लिश किया गया। सबकी एक तरह से कह सकते ना, इन सारी चीजें इंक्लूड कर दी, उन चीजों में क्या हो गया, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज भी आ गई, ठीक है, लेबोरेटरीज आ गई, प्लस इसमें जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसके मेंबर्स आ गए, और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उसके मेंबर्स आ गए, तो उनके सबके एक तरह से थॉट्स की, ठीक है, और उनके जो भी है जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके बेस पे जो फोर्थ एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया इन 1996 में पब्लिश किया गया, ठीक है। अब इसमें तीन सेक्शन बना दिए गए थे, ठीक है, पहले सेक्शन में, ठीक है, जो नोटिसेस आ जाते हैं जनरल नोटिसेस आ जाते हैं, दूसरा सेक्शन था मोनोग्राफ का, ठीक है, तीसरा सेक्शन था अपेंडिसेस का। अब ये वैसे आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ये हम सिर्फ इसकी हिस्ट्री पता कर रहे हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। तो जो तीसरा सेक्शन था, तीसरे सेक्शन में क्या था, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी के बाद इनका जो पहला इनका जो सेक्शन था उसमें तो जनरल नोटिसेस आ गए, मोनोग्राफ के, ठीक है, इसमें क्या था, न्यू एडिशन थे जिसमें 114 मोनोग्राफ थे और 123 114 मोनोग्राफ एंड 123 अपेंडिसेस। मोनोग्राफ्स अपेंडिसेस 123, ठीक है। अब मोनोग्राफ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, मोनोग्राफ अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जैसे पूरी डिटेल स्टडी होती है, रिटन में सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी होती है जिसमें सारा कुछ नियर अबाउट जैसे ड्रग है ड्रग की डिटेल आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, उसका कॉमन नेम हो जाएगा, उसका केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा, वो सब मोनोग्राफ में आता है। अपेंडिसेस में उसके जैसे कोई टेस्ट है उससे
रिलेटेड, तो उसमें वो अपेंडिसेस आ जाते हैं। तो 114 तो ये आपने डिटेल में पढ़ा है, ये हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो ज्यूरिस का रिलेटेड है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने आपको जल्दी बता दिया, मोनोग्राफ में 114 मोनोग्राफ पब्लिश हुए वो 432 में और अपेंडिसेस 123। ठीक है, तो ये था, दैट इज ऑल अबाउट द इंडियन फार्माकोपिया, जो इवोल्यूशन एक तरह से बदलाव आया। ठीक है, क्योंकि पहले कौन सा इंडियन फार्माकोपिया था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, पहले सिर्फ ये आयुर्वेदिक था, आयुर्वेदा के अंदर जो चरक संहिता, सुश्रुता, ये सब है, इनके बेस पे जड़ी बूटियां हैं, जो भी है उनकी प्रॉपर्टीज देखकर, नेचुरल ड्रग्स है, उनकी प्रॉपर्टीज देखकर डिजीज को ट्रीट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब केमिकली सिंथेसाइज जब मूव ऑन किया एलोपैथी पे, तब ये सब चीजें आने लगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उसके बाद क्या है, हम उनको कर रहे थे टाइम पीरियड के साथ साथ कैसे बदलाव आता है। ठीक है, उसके बाद जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये क्या था, इन 1940 में द सेंट्रल लेजिस्लेशन, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन थी उसने क्या किया, रेगुलेट किया किस पर, इम्पोर्ट पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग पर। ठीक है, इसने क्या किया, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन थी, सेंट्रल लेजिस्लेशन, इसने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेशन में रेगुलेट्स किया, इट रेगुलेट्स इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, ये जो ड्रग्स की थी, ठीक है, सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, किसका, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये था जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन 1940 में। ठीक है, तो इनकी, इन्होंने क्या कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके, इसमें गवर्नमेंट, इन्होंने कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अलग अलग एक्ट को प्रॉपरली देखे, ताकि सेफ्टी, जो ड्रग अवेलेबल हो वो क्या होता है, सेफ हो और एफिकेसी हो किसी भी ड्रग और कॉस्मेटिक की जब हम उसको यूज करें। ये कहना था ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या आ जाता है नेक्स्ट, ये तो हमने हो गई बात के लिए ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1940 में आई थी। अब उसके बाद द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, द सेंट्रल, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये जो आपका द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये इसमें क्या था, एक्चुअली ये जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन था, ये किसके साथ अटैच था, ये जो डायरेक्टर जनरल है हेल्थ सर्विसेज का, उसके साथ अटैचमेंट थी इसकी। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके साथ अटैचमेंट थी। ठीक है, इसके क्या फंक्शन थे, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके फंक्शंस क्या थे, मेन क्या रोल था इसका, इसने क्या करना था, अप्रूवल, कोई भी न्यू ड्रग प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले अप्रूवल देनी, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स इंट्रोड्यूस्ड इन कंट्री, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड
कंट्री ठीक है, ये इसके फंक्शंस हैं कि अप्रूव करना उसको और क्या करना, ठीक है, जो भी क्लिनिकल ट्रायल है उसके लिए परमिशन देनी, अलाउ करना कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल है ट्रायल की परमिशन देनी, ठीक है, और गिविंग परमिशन परमिशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल, परमिशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्या करना, परमिशन देनी। उसके बाद क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन करना, किसका, जो भी इंपोर्टेड ड्रग है या उनकी क्वालिटी है उस ड्रग का रजिस्ट्रेशन करना और कंट्रोल करना क्वालिटी ऑफ द इंपोर्टेड ड्रग्स का, ये भी इनका काम था, किसका, सीडीएससीओ, सीडीएससीओ भी बोलते हैं इसको, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को सीडीएससीओ, इसका काम, ठीक है, और क्या काम था इसका, इसने क्या करना, रेगुलेशन करना, जो भी एक्ट अमेंडमेंट हुई है ना उसको रेगुलेट करके रखना कि अब जो अमेंडमेंट हुई है जिस एक्ट की वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स भी, जो ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, डायग्नोस्टिक डिवाइस है, ठीक है, और अपडेट करना इंडियन फार्माकोपिया की, ये इसके फंक्शंस थे, किसके, द ड्रग स्टैंड द सेंट्रल ड्रग स्टैंड द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, ये इसके फंक्शन थे। क्या फंक्शन थे इसके, एक तो जो न्यू कोई भी नया ड्रग प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो रहा है, ठीक है, उसके इंट्रोड्यूस होने से कंट्रीज में उसको अप्रूवल देना है पहले, ऐसा ही नहीं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने अपने रिसर्च किए अपना सब कुछ करने के बाद ट्रायल्स करने के बाद वो सीधा लॉन्च कर दिए, जब तक उसको अप्रूवल नहीं मिलेगी वो लॉन्च नहीं कर सकती, तो ये कौन चेक करेगा, सीडीएससीओ चेक करेगा, ठीक है, ये ही अप्रूवल देगा उसको कि हाँ आपका प्रोडक्ट सही है, आप न्यू ड्रग प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, और जो क्लिनिकल ट्रायल है, जब देखो सारी जो प्रोसेसेस हो जाती है सारे टेस्ट होने के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो कि एनिमल के ऊपर स्टडी होती है, उसकी परमिशन भी होती है, ऐसे नहीं कि कोई मर्जी मन करा अपना किसी एनिमल पे अपने ट्राई कर लिया और उसको शो कर दिया, उनका सारे एथिक्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए ही वो परमिशन देती है क्लिनिकल ट्रायल के लिए कि हाँ कि दिस ड्रग इज सेफ, इसको आप क्लिनिकली ट्राई कर सकते हो पहले एनिमल पे, फिर उसके बाद पर्सन पे भी, अगर वो सक्सेसफुल रहता है आगे फिर पर्सन पे ट्रायल करके आगे इसको फिर लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करती है जो इम्पोर्टेड ड्रग्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, उनकी क्वालिटी को चेक करना, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है, चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस हैं, अलग अलग डिवाइसेस भी होती है डायग्नोज करने की, उनको डिटेक्ट करना, और जो इंडियन फार्माकोपिया उसको अपडेट करना, ठीक है, ये सब काम किसके हैं, सीडीएससीओ के, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। उसके बाद बात आती है द स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, द स्टेट ड्रग कंट्रोल स्टेट से हमें क्लियर हो जाता है कि ये हर स्टेट में, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्लियर कर दिया, और इसमें क्या होता है स्टेट टू स्टेट उनके जो भी नियम कायदे हैं वो सब क्या होते हैं वेरी करते हैं, ठीक है, जिसको हेड, जिसका हेड कौन होता है, स्टेट का ड्रग कंट्रोलर उसका हेड होता है, ठीक है, जो क्या डिफरेंट तरह के जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करता है, किसके हेल्प से, थ्रू द स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर की हेल्प से, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट है द स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दी जाती है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दी एट द लेवल ऑफ स्टेट, स्टेट लेवल पे, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इसको लीड कौन करता है, इसको इसका जो हेड होता है वो क्या होता है स्टेट का ड्रग कंट्रोलर होता है, जो कि स्टेट के ड्रग इंस्पेक्टर की हेल्प से इसको आगे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ड्रग्स की या फिर किसी ने ड्रग स्टोर खोल रखा है, ठीक है, उसकी लाइसेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसेंस बनाने के, ठीक है, और उसकी कोई भी जिस प्रीमिसेस को कोई भी मैन्युफैक्चरिंग शॉप है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, जो कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेडिसिन की, कॉस्मेटिक्स की,
कभी भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाकर, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाकर या फिर कोई भी प्रीमिसेस जो कि फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड है, वहां से टेस्टिंग सैंपल भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी क्वालिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की हो इन द स्टेट, अपने स्टेट में, ठीक है। और क्या होता है, अगर मान लो कुछ इस तरह से लग रहा है कि कोई एक्ट को वायलेट कर रहा है, एक्ट को तोड़ रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है एक्ट की, तो इट मीन्स वो लाइसेंस की कैंसिलेशन की अथॉरिटी भी रखते हैं, उनको ये अथॉरिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनको, ठीक है। इंस्टीट्यूटिंग लीगल एक्शन वेयर एवर नीडेड प्रोवाइडेड इन द एक्ट एंड रूल, वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अगर वो रूल के अकॉर्डिंग मेंशन कर रखा है तो ये क्या आ गए हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, स्टेट के नाम से, यानी ड्रग को कंट्रोल कर रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया ड्रग कंट्रोलर को, ड्रग कंट्रोलर स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर की हेल्प से अलग अलग तरह से काम कर सकता है, तो कंट्रोल करना है तो यानी वो उसका मेन काम क्या है, इंस्पेक्शन का, किसी भी प्रीमिसेस में अगर लाइसेंसिंग इशू करना है, ठीक है, तो वो उसकी अथॉरिटी है, उसके बेस पे अगर वो कैंसिलेशन करना है तो भी वो कर सकता है, कहीं से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से जाके सैंपल ले सकता है उसकी क्वालिटी को डिटेक्ट करने के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कॉस्मेटिक की है, ड्रग्स की है या मेडिसिन की है, ठीक है। और इसमें कोई भी अगर मान लो लीगल एक्शन लेना है, ठीक है, कोई अगर मान लो ऐसा लग रहा है कि जो रूल है, ठीक है, उसकी एक तरह से वायलेशन हो रही है, रूल को कोई तोड़ रहा है, ठीक है, तो वो लीगल एक्शन भी ले सकता है, ठीक है। और इसमें ये है कि इंस्पेक्शन कभी भी किसी भी प्रीमिसेस जो कि रिलेटेड टू फार्मेसी, ड्रग से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर आता है, ठीक है, तो वहाँ पे कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है उस प्रीमिसेस की, क्या है, चाहे वो ड्रग स्टोर खोल रखा हो किसी ने या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रखा हो, ठीक है। तो ये हमारा इवोल्यूशन का कंसेप्ट चल रहा है कि कैसे कैसे आगे टाइम के साथ साथ, बढ़ते टाइम के साथ साथ क्या क्या नई चीजें आई, क्या क्या नए नए लॉज आए, किस तरह से वो फॉलो किए गए, कैसे अमेंडमेंट हुई, उनकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन की गई, ये हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी में, ठीक है। अब इसमें ये तो कुछ हमने पढ़ी कि भोरे कमेटी आई, भाटिया कमेटी आई, मुडालिया कमेटी, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हमने पढ़ा, इसकी हिस्ट्री जानी कि कब पहली फार्माकोपिया बनी थी, किस तरह से इसके आगे सेक्शंस बने, सप्लीमेंट्स बने, कब तक ब्रिटिश फार्माकोपिया फॉलो हुई, उसके बाद हमने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको CDSCO कहा जाता है, उसके फंक्शंस पढ़े उसके बारे में, उसके बाद सेंट्रल के बाद हम स्टेट पे आ गए, स्टेट के बाद हम आगे बात करेंगे, आगे भी कुछ जैसे इंडियन ड्रग पॉलिसी, ड्रग प्राइस कंट्रोल आ गया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी आ गई, ये हम करेंगे नेक्स्ट।